हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम हो चुका है और शाम का खाना मेरा बन रहा है। तो सब्जी मेरी बन गई है और अब बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन से, तो उनको दूंगी मैं खाना। फिर उतने आ जाएंगे पति देव, फिर उनको दूंगी खाना। और उसके बाद फिर बच्चे को मैंने दूध वैसे दे रखा है, फिर अपना सोने का होगा, फिर डेली वही रूटीन। तो फ्रेंड्स बने रहिए आगे वीडियो में, मिल। तो ये है वीरवार का दिन, मतलब वीरवार की शाम। तो शाम से ही मैंने आज वीडियो स्टार्ट किया था, क्योंकि सारा दिन मैंने वीडियो नहीं किया था वीरवार को। और ये कपड़े जो मैंने बुधवार को धोए थे, तो वही कपड़े हैं ये, और मैं इनको ही लगा रही थी प्रेस, क्योंकि आज पति देव हो गए हैं मेरे लेट। और बच्चों को खाना पीना देकर मैंने फिर कपड़े रख लिए थे, क्योंकि कपड़ों की भी प्रेस लगानी बाकी थी। और मैं बैठ गई थी इनको प्रेस करने, लेकिन बच्चे हैं कि बीच बीच में आ ही जा रहे थे, कभी कुछ उनका चलता रहता है। जब बच्चे घर पे हों तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं, स्कूल में गए होते हैं या ट्यूशन गए होते हैं, फिर तो मैं 1 घंटा भी मुझे मिल जाता है, तो उसी में मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ, और बहुत हल्का हो जाता है काम, बहुत कम काम रह जाता है। लेकिन जब बच्चे होते हैं, और छोटे वाला बच्चा तो खैर मेरा सोता नहीं है, बहुत ही कम सोता है, और वो थोड़ा टाइम काम में पे लगा रहता है। और पति देव को भी इतनी मतलब फुर्सत नहीं मिलती, इतना टाइम नहीं मिलता कि वो मेरी कुछ थोड़ी बहुत मदद करवा दें। लेकिन जैसे भी उनसे बनती है, जब भी वो घर होते हैं तो करवा देते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जब वो ड्यूटी से आते हैं, फिर मैं लगाती भी नहीं, क्योंकि देखिए जी, वो भी कहीं बाहर से काम करके थक हार कर घर आते हैं, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में भी आराम कर लूं, तो वही होता है। तो आज का वीडियो तो यहीं तक था, मतलब यहीं तक मैंने किया था, और उसके बाद फिर पहले वाला वीडियो मैंने बाद में लगा दिया। और ये हो चुकी है सुबह, और बिल्ला आ चुका है खाना खाने। ये नया बिल्ला आया है, अब क्या 3-4 दिनों चाहिए? से आ रहा है, और यही खाना खा के तभी जाता है। और सुबह का मैंने नहीं बनाया है, सीधा शाम का ही बनाया है। मैं सब्जी बना रही थी, और तभी बच्चे को भूख भी लगी हुई थी, उसको दूध देकर और साथ में मैं लगा रही थी तड़का। तो मूंग दाल मैंने आज बनाई हुई है, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं और आने वाले ही हैं, और उसके पहले मैंने कपड़े धोकर बाहर लगाए हुए थे। बुधवार का ही है ये वीडियो। और फिर उनको उतारने में गई थी, क्योंकि शाम सी हो चुकी थी, कल को दोबारा लगाऊंगी सूखने। इनमें सेम सी अभी बनी हुई है, उतनी बच्चे आ गए थे तो उनकी नौटंकियाँ भी शुरू हो गई थी, मुझे बता रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, ट्यूशन में मुझे ऐसे नंबर मिले, तो वही बता रहे थे वो बाहर। तो बहुत एक्साइटमेंट बच्चों को हो जाती है कि हम ट्यूशन जा रहे हैं, क्योंकि मुझसे वो पढ़ते हैं, लेकिन अब गांव में जो बच्चे जाते हैं आस पड़ोस के, जो उनके साथ खेलने भी आते हैं कई बार, तो फिर उनको भी हो गया कि हमारी माँ तो हमको घर ही पढ़ा रही है, हमको नहीं जाने देती। तो मैंने सोचा कि चलिए इनको भी लगा देती हूँ, और मेरा भी थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। तो आज जी मैं जो भी आपको स्पेशल बताना चाहती हूँ, तो उसके बारे में ही बात कर लेती हैं। जो कई बार लेडीज़ कहती हैं अपने ब्लॉगिंग में कि भाई दो बैठकर पोछा लगाने से बहुत वेट लूज होता है, ये होता है वो होता है, तो देखिए मुझे उसमें से 100% में से 0% भी नहीं मुझे लगा, क्योंकि मैंने पूरे 2 महीने बिना किसी रुकावट के नीचे बैठकर पोछा लगाया है, और झाड़ू भी मैंने बैठकर ही लगाई है। वैसे तो पोछे की ही बात हो रही थी, लेकिन मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, 1% भी वेट लूज़ नहीं हुआ है, जैसा कि तैसा ही पड़ा हुआ है, तो सब झूठ है ये।
वेट नापा था और अब 2 महीने बाद भी मैंने वेट किया अपना, तो 1 इंच भी नहीं कम हुआ और मुझे लगा भी नहीं कभी कि कम हो रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, सब व्यू आने का चक्कर है और कुछ नहीं। तो जी बिल्कुल ही झूठ निकली ये बात, और पूरे 1 दिन भी मैंने ऐसा नहीं किया कि आज मैंने बैठकर पोछा नहीं लगाया हो या झाड़ू नहीं लगाया हो, लेकिन 1% भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही मतलब झूठ है, बिल्कुल व्यूज़ का चक्कर है। बाकी आप लोग कोई करता हो तो मुझे भी बताएं कि आपका किसी का कम हुआ हो या कोई फ़र्क पड़ा हो, तो मेरी बहनें इस पर कमेंट करके ज़रूर बता सकती हैं। और मेरे हिसाब से तो 100 में से 0% है। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई आशा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।